हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में दूसरे धर्म के युवक से लव मैरिज करना लड़का और लड़की दोनों को भारी पड़ गया। युवती के परिजनों ने युवती और उसके पति के बीच रोड पर पिटाई कर दी। इसी तरह से दोनों ने पुलिस के पास पहुंचकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद युवती ने अपने घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मिली यही जानकारी के मुताबिक उरई की रहने वाली सना ग्रेजुएशन के बाद स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के लिए बर्रा में सहेली संग रहती थी। कोचिंग के दौरान यशोदा नगर के रहने वाले युवक पवन के साथ उसके प्रेम संबंध हो गए। 3 साल तक चले प्रेम प्रसंग का जब सना के परिजनों को पता चला तो उन्होंने सना को घर बुलाकर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी तरह से घर वालों को समझा बुझा कर सना दोबारा कानपुर आकर अपनी सहेली के साथ रहने लगी। इसी दौरान 23 सितंबर को सना और पवन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली और अलग अलग रहने लगे। सना के परिजनों को किसी तरह से ये बात पता चल गई, जिसके बाद सना के घर वाले कानपुर आ गए और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगे। इसी दौरान सना ने पवन को फोन कर दिया तो परिजनों ने उसका मोबाइल छीन लिया और पता करते हुए पवन की कोचिंग पहुंच गए। यहां पर सना के घर वालों ने पवन को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तभी पीछे से सना भी आ गई और बीच बचाव करने का प्रयास किया तो परिजनों ने दोनों को पकड़कर पीट दिया। किसी तरह से परिजनों से बचकर दोनों बाइक से भागे तो सना के घर वालों ने कार से उनका पीछा किया। अपने आप को बचाने के लिए दोनों डीसीपी साउथ के ऑफिस के अंदर घुस गए। इसके बाद सना के घर वाले वहां से वापस लौट गए। वहीं सना ने बर्रा थाने में माता पिता समेत 4 के खिलाफ मारपीट और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। संवाददाता लक्ष्मी चंद दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर, यू न्यूज यूपी। हमारे पीछे से आ रहे, तुम जाओ।